तो रॉकी जो है ना ये इसने मोहब्बत करके दिखा दी लोगों को कि मोहब्बत होती क्या है। मुजस्मा बने हुए हैं, मतलब आपके साथ रॉकी भी है और सेम उसी तरह जैसा कि आप खड़े हैं, आप हिल नहीं रहे स्टैचू की तरह, और रॉकी भी उसी तरह खड़ा है। कैसे सोचा कि चाहूँ तो मैं पैसे ले के अपने घर के हालात ठीक कर सकता हूँ, अच्छी मकान बना सकता हूँ, पर नहीं, अगर मैंने इसको सेल करना तो मैंने अपना ज़मीर को सेल करना वीर, क्योंकि मेरी वीडियो होती है फैमिली वाली, फैमिली में बैठ के भी आप अपनी बहन को भी दिखा सकते हो, माँ को भी दिखा सकते हो, बेटी को भी दिखा सकते हो, ठीक है। मेरी वीडियो ऐसी होती है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि लोग देखने के लिए फैमिली से साइड पे होकर बैठे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं 7 पाकिस्तान। नासिन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉक स्टार सलमान ढिल्लू और उनके साथ रॉकी। चंद दिनों में इनके मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं माशाल्लाह, और मिलियन में ही इनके व्यूज़ आते हैं, क्योंकि वीडियो में एक बहुत अच्छा इनका कंटेंट होता है और बहुत अच्छा एक मैसेज भी देते हैं। नासिन, तो आज हम सलमान ढिल्लू साहब के पास मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इतना यूनिक कॉन्टेंट इन्होंने कैसे सोचा, किस तरह से इनके पास आइडिया आया, और रॉकी को भी इन्होंने ट्रेन किया हुआ है या ऐसे रैंडमली वीडियोज़ बनती हैं कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है। सलमान भाई, बताइएगा कि आपने ये एक यूनिक कंटेंट लेकर आए हैं जिसमें वीडियोस में आपके साथ रॉकी होता है और आप मुख्तलिफ वीडियोस बनती हैं जिसमें मुजस्मा बने हुए हैं, मतलब आपके साथ रॉकी भी है और सेम उसी तरह जैसा कि आप खड़े हैं, आप हिल नहीं रहे स्टैचू की तरह, और रॉकी भी उसी तरह खड़ा है। कैसे सोचा, कैसे आइडिया है, ट्रेन किया है? जी कोई भी चीज़ है ना, बगैर किसी भी मतलब ट्रेनिंग के बिना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले तो मोहब्बत की बात होती है कि आप मोहब्बत के साथ किसी को कैसे अट्रैक्ट कर लेते हो, और जब इससे कहता हूँ कि रुक जाओ, रुक जाता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत अच्छी हम लोगों को मैसेज भी देते हैं, वीडियो भी बन जाती है। जी, एक वीडियो मैसेज होता है हर वीडियो में ना मेरी। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं आप। तो रॉकी को इतनी मोहब्बत आपसे कैसे? देखे ना जी, जानवर जो है ना ये बना ही मोहब्बत के लिए, पर इंसान जो है ना दूसरों के साथ कभी भी मुखलस नहीं रह सकता। वक्त आने पे ना हमेशा वो ना कुछ ऐसा करता है कि हम जैसे लोग जो है ना फिर इंसानों को छोड़ के जानवरों की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत वाले लोग मोहब्बत की डिमांड करते हैं। तो रॉकी जो है ना ये इसने मोहब्बत करके दिखा दी लोगों को कि मोहब्बत होती क्या है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है। एक वीडियो में हमने देखा जिसमें आप रॉकी को खाना दे रहे हैं, रॉकी खाना नहीं खा रहा जब तक आप नहीं खाते, तो इसमें जी ये ना एक मोहब्बत की एक लास्ट स्टेज है कि देखे ना कि खाने के लिए तो इंसान जद्दोजहद करता है, मेहनत करता है खाने के लिए, ठीक है। फिर ये जो है जानवर है, खाना सामने आया, फिर मालक को देख रहा है कि मालक खाएगा तो मैं खाऊँगा, पर ये जानवर जो होते हैं ना मर जाते हैं, अपने मालक की नाफरमानी नहीं करते, ठीक है। उनके बिना कभी भी है ना नहीं सकता। कितने अरसे से पाल रहे हैं ये? इसको तकरीबन साल होने वाला है, एक हाँ जी एक साल होने वाला है इसको। सही, आपने छोटा सा लिया था? हाँ, मुझे गिफ्ट मिला था, ठीक है, फैमिली से मिला था, मुझे गिफ्ट मिला था। मैंने फिर इसको ना अपनी मोहब्बत के साथ बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ट्रेन किया जी। अच्छा, देखिए कि आमतौर पर हम बहुत से मतलब टिकटॉक जो है वीडियोस बनाते हैं लोग जिसमें कोई मज़ेदार ही नहीं होती, सीधी सी बात है, तो आपकी वीडियोस माशाल्लाह एक कंटेंट भी बहुत अच्छा है, व्यूज़ भी बहुत मिलियन में चंद दिनों में ही। लो जी, बात यह है कि ये लोग करते हैं ऐसे कंटेंट बना के, ठीक है, वायरल होना बड़ी बात नहीं होती, वायरल तो बंदा हो ही जाता है, पर लोगों अगर मेरी वीडियो जा रही हैं पब्लिक तक जा रही हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी एक मैसेज हो लोगों को दूं, लोग उस पर अमल करें, ठीक है। तो मेरी हर वीडियो में एक ना, क्योंकि मेरी वीडियो होती है फैमिली वाली, तो फैमिली में बैठ के भी आप अपनी बहन को भी दिखा सकते हो, माँ को भी दिखा सकते हो, बेटी को भी दिखा सकते हो, ठीक है। मेरी वीडियो ऐसी होती है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि लोग देखने के लिए फैमिली से साइड पर होकर बैठे। अच्छा, जब टिकटॉक पर आप आए, आपकी पहली वीडियो कौन सी वायरल हुई? पहली वीडियो वायरल जब हुई, मैं नहर में जब ना गिरा हूँ ना, रैंडमली मैं गिरा हूँ, ठीक, वीडियो बना रहे थे, मैं गिर गया हूँ, इसने मुझे निकाल के बाहर लेके आया, पहली वीडियो मेरी वो वायरल हुई। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो देखी थी हमने वो भी, तो तब मतलब रॉकी फौरन ही दौड़ के मतलब आपको निकाल रहा है? हाँ जी जी बिल्कुल, उसी वक्त ये गया, उसने मुझे पकड़ा, पकड़ के मुझे बाहर निकाला, फिर वो वीडियो जो है मेरी वायरल हुई। अच्छा, आमतौर पर देखें कि आपकी मोहब्बत इतनी मोहब्बत है कि एक दूसरे के बगैर मतलब नहीं रह सकते। अब जैसे मैं मतलब गलती से मैंने उसे ऐसा अल्फाज बोला तो लोग भी तो इस तरह कहते हैं, तो क्या रिएक्शन? अरे भाई, सबसे पहले ना लोग ना, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इंसान अपनी इज्जत रखता है ना तो जानवर भी इज्जत रख, अगर बोल नहीं सकते क्या मतलब हम इनको ऐसे तरह बोलेंगे? नहीं भाई, हर चीज़ इज्जत रखती है, ठीक है, क्योंकि इंसान नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक रुतबा रखा है,
हर चीज़ इंसान के फ़ायदे के लिए बनी, पर इंसान उसे गलत यूज़ करता है। जिस तरह मैं आपको बताया कि लोग लड़ाइयाँ करवाते हैं, लोग की आपस में मरवाते हैं, ठीक है, अक्सर ये जो मुर्गे वगैरह इनकी लड़ाई करवा के कुछ मुर्गे के हैं जो उनकी गर्दन उतर जाती है। शर्म करनी चाहिए इंसानों को कि इंसान अल्लाह ताला ने आपके लिए फ़ायदे के लिए बनाई चीज़ें बनाई, तो आप उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बस लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा खुदा का खौफ करें। ये इंसान जो है, मैं कहता हूँ इंसान बने ही नफरत ही करता है। इंसान आपस में जानवरों को लड़ा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? फिर जहाँ की बात ना बने, अगर मैं मेरे कंटेंट में लोग मैसेज भी करते हैं कि यार तुम मुस्लिम नहीं हो, ये नहीं वो नहीं, ठीक है, और खुदा के बंदे जहाँ कोई बात ना बनती हो फिर मज़हब को ले जाते हो, ठीक है। ये जो है ये अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है, हमें तो नफ़रत करना सिखाया ही नहीं गया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नफ़रत करना सिखाया नहीं गया, तो फिर क्यों हम करते हैं ये? जहाँ बस मैं लोगों को कहता हूँ यार थोड़ा सा हया करें। अच्छा, वीडियोज़ में अक्सर लोग कमेंट्स भी करते हैं, और आपके मुँह से भी हमने सुना है कि लोगों ने इसकी काफ़ी डिमांड्स की हैं कि हमें जो है वो सेल करते हैं। जी लोग ना मतलब अपनी एक सोच बताते हैं, कमेंट करते हैं, या फिर ना अपनी एक सोच बताते हैं कि हम कितनी सोच के मालिक हैं, ठीक है। पैसे के साथ उनकी सोच होती है कि हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसे के साथ कोई भी चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, ठीक है, ठीक है। ये मोहब्बत तो बिल्कुल भी नहीं खरीदी जा सकती। लोग कहते हैं कि जब हमने ऐसा करेंगे जब चार पैसे देंगे, चलो ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं पैसे ले कर अपने घर के हालात ठीक कर सकता हूँ, अच्छी मकान बना सकता हूँ, पर नहीं, अगर मैंने इसको सेल करना तो मैंने अपना ज़मीर को सेल करना भी, ये बात होती है। तो आखिर में पब्लिक को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पब्लिक को यही मैसेज दूंगा कि प्यारे भाई, जानवर जो है ना, हत्ता कि जो चींटियाँ होती हैं ना, वो भी कतार में जाती हैं, वो हमें एक लेसन देती हैं कि यार बंदे तेरा रास्ते पे चल, दूसरों को गिरा ना, एक दूसरे को साथ लेके चल, ठीक है। जिसे हम ये बैंसे कहते हैं, ठीक है, जानवर है, डंगर है, ठीक है, वो भी एक सीधी लाइन में जाते हैं, हमें बताते हैं कि यार ना हमेशा सीधी लाइन पर जाओ, ठीक है, कामयाब हो जाओगे। पर हम करते क्या हैं, इनसे सीखने के बजाय अपने पैरों के नीचे मसल देते हैं चींटियों को। प्यारे भाई मैं ये कहूँगा कि प्यारे, ये जो जानवर है ना, ये बोलते नहीं हैं और बहुत कुछ कहते हैं, इनको भी समझा करें, ठीक है। ये प्यार वाले हैं, ये प्यार मांगते हैं, इनको प्यार दिया करें, ठीक है, ये बात। जी नाज़रीन, तो आपने सलमान ढिल्लों साहब की जो गुफ्तगू सुनी, किस तरह से वो रॉकी को जो है वो वीडियो में लाते हैं, और किस तरह से रॉकी जो है वो उनके साथ इतनी मोहब्बत रखता है कि उनके बगैर जो है वो खाना नहीं खाता, अगर खाए तो पहले सलमान खाएगा तो वो रॉकी खाएगा दोबारा। तो देखेंगे किस तरह से वो एक यूनिक कंटेंट लेकर आए जिसमें वीडियोज़ में एक मैसेज भी होता है, और फैमिली वीडियो होती है, कोई भी देख सकता है उसे, कोई ऐसी बेहूदा मतलब वीडियो नहीं होती, बहुत अच्छी वीडियोज़ होती हैं, इसलिए उनकी चंद दिन में ही जो है वो, अगर घंटों की बात करें तो घंटों में इनके माशाल्लाह मिलियन व्यूज़ आते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए 7 पाकिस्तान। अल्लाह निगेबान।